नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। इस समय मैं अमेरिका में ही हूं और आपके लिए ये वीडियो बना करके भेज रही हूं कि आपने जन्माष्टमी तो बहुत अच्छे से मना ली, 6 तारीख को व्रत रखा या 7 तारीख को व्रत रखा, लेकिन 7 तारीख को गुग्गा नवमी भी होती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ ये दूसरे एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की लीला के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का स्मरण भी आपने जरूर करना है। गुग्गा नवमी पर कहा जाता है कि अगर आपको सपने में सांप दिखते हो या फिर आपको डर लगता हो, आपको घबराहट होती हो, या फिर कई बार ऐसा समय आता है जब आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का एकदम से सामना करना पड़ता है, ऐसी समस्याएं बन रही हो, तो आपने 7 तारीख को कुछ उपाय जरूर करने हैं। कुछ उपाय आपके श्री कृष्ण के होंगे और कुछ उपाय होंगे आपके भगवान भोलेनाथ के। तो 7 तारीख को सबसे पहले अगर आपने व्रत किया है 6 तारीख का, अगर आपने जन्माष्टमी 6 तारीख की मनाई है, क्योंकि 6 तारीख को भी जन्माष्टमी पड़ रही थी, हाँ बहुत सारे योग और संयोग पड़ रहे थे, लेकिन 7 तारीख को उदया के हिसाब से भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा था। अगर आपने 6 तारीख को उत्सव मनाया है तो 7 तारीख की सुबह आपने भगवान श्री कृष्ण का पालना जरूर झुलाना है। ये ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव के बाद ही तो आप उन्हें सारे झूला झूलाना, सारी क्रियाएं कर सकते हैं, आप उन्हें भोग लगा सकते हैं, उन्हें माखन मिश्री खिला सकते हैं, आप उन्हें तुलसी दल चढ़ा सकते हैं, आप उन्हें तुलसी की माला अर्पित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको अगर आपने 6 तारीख का व्रत किया है, क्योंकि हमने अपनी वीडियो में बता दिया था कि आपको व्रत 6 को 7 को कब करना है, और अगर 6 को आपने व्रत रखा है तो आपने 7 तारीख को ये सारे विधि विधान कराने हैं। भगवान श्री कृष्ण को भोग जरूर लगाना है, माखन और मिश्री का 7 तारीख को। भगवान श्री कृष्ण को आपने तुलसी पत्तों की माला, तुलसी के पत्तों की माला, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा समय जरूर लगेगा आपको बनाने के लिए, लेकिन तुलसी के पत्तों की माला जो है वो आपने बीच में से पत्ते को बीच में से सुई धागे के साथ नहीं पिरोना है। जो तुलसी के पत्तों की जो छोटी छोटी टहनी होती है उसे आपने हरे धागे में बांधते हुए 108 तुलसी के पत्ते लेने हैं, उससे माला बनानी है, और वो माला आपने भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करनी है राधे राधे जपते हुए। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं इसी से, और आपको मन चाहा वरदान देते हैं, आपकी मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन जब आपको सपने में सांप दिख रहे हो या फिर आपको लगता है कि आपको डर ज्यादा लगता हो, घबराहट ज्यादा होती है, या तो फिर आप इसे वहम समझ लीजिए, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, अपनी बहुत सारी चीजों को अस्त व्यस्त स्वयं ही कर देते हैं, तो गुग्गा नवमी 7 तारीख की है, तो आपने इस महा उपाय को जरूर करना है। कच्चा दूध में थोड़ा सा जल मिला लीजिए, यानी मात्रा दूध की कम होनी चाहिए, जल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। आपने ये दोनों को मिलाकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक तो करना है, लेकिन सर्प वासुकी को आपने ये दूध अर्पित करना है, कच्चा दूध जिसे हम लस्सी दलस्सी भी कहते हैं। और गुग्गा नवमी पर कहा जाता है कि अगर आप इस उपाय को, महा उपाय को करते हैं, तो काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलती है, काल सर्प योग का लाभ मिलता है आपको, क्योंकि इसे दोष भी कह सकते हैं, इसे आप योग भी कह सकते हैं, तो इसका पूर्ण लाभ आपको मिलता है, आपके जीवन की सारी समस्याएं जो है वो दूर होती हैं। सर्प अगर आपको बार बार सपने में दिखते हैं या किसी भी तरीके से दिखते हैं तो आपको उससे भी मुक्ति मिलती है। तो भगवान भोलेनाथ का जो आपने अभिषेक करना है और उसके बाद कुछ मात्रा में दूध और जल जो मिश्रित है इसे आपने वासुकी को भी अर्पित करना है, यानी सर्प को भी आपने इसे अर्पित करना है। और गुग्गा नवमी पर खास करके गांव में ये उत्सव मान लीजिए, इसे त्योहार की तरह से मनाते हैं, और गांव में जहां जहां वो सर्प के घर होते हैं, वहां मिट्टी के जो बने हुए घर होते हैं, वहां पे जाकर के इस विधि को स्पेशली किया जाता है गुग्गा नवमी के दिन।
और बहुत सारे लोग हैं जो मालपुए कहते हैं, इसे मालपुए का सेवन जो है गुग्गा नवमी पर उसके बाद ही इसका सेवन भी करते हैं, उससे पहले अपने घरों में इस तरीके का सेवन नहीं करते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि हमें बहुत ज्यादा घबराहट या टेंशन, तो गुग्गा नवमी के दिन अपने घर की मुख्य दहलीज के दोनों तरफ आप एक सांप की वो जो चित्र होता है उसे जरूर बनाना चाहिए। और कहते हैं कि 40 दिन तक अगर ये चित्र लगा रहता है और उसके बाद इस चित्र को उतार करके आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा करके अर्पित कर देते हैं या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, तो आपको सर्प के सपनों से मुक्ति मिलती है और आपके घर में किसी भी तरीके का जो भय है वो प्रवेश, वो एंटर नहीं करता है। तो गुग्गा नवमी को भी आप मनाइएगा, साथ के साथ आपने भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव जो जोरों शोरों से मनाया है, और अगर आपने 7 तारीख को इस उत्सव को मना रहे हैं तो 8 तारीख को भगवान कृष्ण का पालना जरूर हिलाइएगा, झूला जरूर उन्हें दीजिएगा, बेहद प्रसन्न होते हैं भगवान श्री कृष्ण। सो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की और साथ के साथ गुग्गा नवमी की। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिए। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।